सुख सागर तीसरा स्कंद 26वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे कपिल देव जी द्वारा देवहूति को भक्ति वर्णन। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं 2400 तत्वों के लक्षण अलग अलग तुमसे कहता हूँ, जिनके जानने से आत्मा और शरीर का भेद पृथक पृथक मालूम होता है, उसी को आत्मा कहते हैं। जिसका कभी नाश नहीं होता, वही सब जीवों का पालन करता है। जैसे जल से भरे अनेक बर्तनों में सूर्य की छाया दिखाई देती है, लेकिन उन्हें तोड़ डाला जाए तो फिर कुछ नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश सब जीवों में भरा हुआ है। जिस प्राणी को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह फिर संसारी माया मोह से अलग हो जाता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसी तरह आत्मा भी सबके शरीर में विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। इसलिए ज्ञान दृष्टि द्वारा आत्मा एवं शरीर को अलग अलग जानो। जब तक शरीर में आत्मा है, तभी तक शरीर बोलता, चलता, बैठता, खाता, पीता तथा इंद्रियों का सुख देने का कार्य करता है। जब वह आत्मा पुरुष शरीर से पृथक हो जाता है, तभी वह शरीर मृतक होकर गलने सड़ने के अतिरिक्त अन्य किसी काम का नहीं रहता। यह विचार कर आत्मा को 24 तत्वों से पृथक जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी है, वे आत्मा को अनश्वर तथा शरीर को नश्वर समझकर शरीर से प्रीति नहीं रखते हैं। प्रकृति का रूप शुरू में भली भांति ज्ञात नहीं होता। जब उसमें सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण मिल जाते हैं, तभी उसका स्वरूप उत्पन्न होता है। शरीर में रहने वाले परमेश्वर के स्वरूप को योगाभ्यास और ज्ञान प्राप्ति के लिए बिना देखा नहीं जा सकता। वह आत्मा पुरुष ही काल रूप बनकर बाहर रहता है। उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान और धर्म बने हैं। हे माता, जिस मनुष्य ने उस महापुरुष को पहचान कर जो अपना स्वामी एवं प्रकट कर्ता जान लिया है, उसे जप, तप, यज्ञ, दान इत्यादि शुभ कर्म करने की जरूरत नहीं रहती है और उसे पहचाने बिना शुभ कार्य करना भी निरर्थक है। वैसे भी उसे पहचानना कोई कठिन भी नहीं है। वह भक्ति एवं प्रेम करने से सहज ही जान लिया जाता है। इसलिए तुम भक्ति करके उस आदि पुरुष को जानने की कोशिश करो। अब तुम्हें अन्य कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और संसारी शोक से मुक्त हो जाओगे। अब मैं तुमको चार प्रकार की सात्विक, राजसी, तामसी और नवदा भक्ति सुनाता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुनना। परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सात्विक भक्ति जल के समान निर्मल है। उसमें मोक्ष पद पाने के अलावा और कोई इच्छा नहीं होती है। राजस भक्ति स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि सांसारिक सुखों के उपभोग के लिए की जाती है। तामसी भक्ति जो शत्रु का वध करने के निमित्त किया जाता है, परंतु नवदा भक्ति करने वाले मनुष्यों को सांसारिक सुख, मुक्ति तथा अन्य किसी भी चीज की कामना नहीं रहती है। यह भक्ति मुझे बहुत ही प्यारी है। मेरे चरणाविंदों को स्मरण करने का नाम ही भक्ति है। भक्ति के लिए उचित है कि वह आठों पहर सच्चे मन से मेरे चरणाविंदों का स्मरण करे और मेरे ही नाम का जप करते हुए अपने हाथों से मेरी सेवा करे तथा पांवों से तीर्थाटन करे। जो मनुष्य मेरी सात्विक, राजसी तथा तामसी भक्ति करते हैं, मैं उनकी इच्छाओं को पूरी कर देता हूँ। परंतु जो मनुष्य मेरी नवदा भक्ति करते हैं, उनसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और सदा यही विचार करता रहता हूँ कि इन्हें ऐसी कौन सी वस्तु दूँ जिससे मैं इनसे उऋण हो जाऊँ। इसी प्रकार यहाँ पर 26वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुन सकें। और अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी के अध्याय नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी अध्यायों के लिंक दिए गए हैं, उन पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप नारी एवं कल्याण के अध्यायों को भी देख सकते हैं। और हमारी आपसे एक विनती और है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं, उन्हें हम अपनी संस्कृति की ओर रुझा सकें। वही है सकारात्मक परिवर्तन।